हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल जन्माष्टमी है और आपने भी मेरी तरह जन्माष्टमी की तैयारियाँ शुरू कर दी होंगी और आप भी मेरी तरह मार्केट में जा रहे होंगे और देख रहे होंगे कि यार कितना सारा सामान इतना महंगा महंगा है। तो चलिए, मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ये सिंहासन का वीडियो, जो कि आप बहुत ही ईजिली अपने घर में लो कॉस्ट पर बना सकते हैं और इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम देना है और आपका ये सिंहासन रेडी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड का पीस ले लिया है और ये फॉर्म जो आप कपड़े वगैरह लाते हैं और जो आपके ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं उसमें ये फॉर्म निकलती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको सेम अपने लड्डू गोपाल के साइज़ के जो भी आपके साइज़ है उसके हिसाब से आपको ये कट कर लेना है। इसके बाद इन पीसेस को आपस में चिपकाना है और ये कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था रेड कलर का, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कपड़ा आपको पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसको ग्लूगन की हेल्प से स्टिक कर दीजिए। ये देखिए, मैंने इसको स्टिक कर दिया है। इसके बाद में ये मेरे पास कुछ जो पॉइंट्स की डिब्बियाँ होती हैं उसको मैंने इसके जो लेग्स होते हैं उसकी तरह इसका इस्तेमाल करूँगी मैं। तो इसकी जो ये कैप से मैंने निकाल के इसको इस पर चिपका दिया है ग्लूगन की हेल्प से। अगर आप नहीं चाहते हो तो आप सिंपली भी इसको नीचे तक रख सकते हैं। मुझे नीचे हाइट चाहिए थी तो मैंने इसमें नीचे लगा दिया है ताकि इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ जाए। इसके बाद इसके किनारे के लिए मेरे पास ये नेट थी, तो इस नेट को आपको पतला सा काट लेना है जितनी भी आपकी ऊंचाई है उसके अकॉर्डिंग, और इस पर प्लेट्स बनाते हुए इसको लगाना है इस तरीके से। अगर आपको प्लेट्स बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप पहले इसे कच्चा कर लीजिए या प्लेट्स बना के स्टेपल लगा लीजिए, जिससे कि आपको इसे लगाने में आसानी हो जाए। तो इस तरीके से धीरे धीरे से प्लेट्स बना के उसे भी ग्लूगन की हेल्प से इस पर चिपका दीजिए। ये देखिए, मैंने चारों ओर सारी तरफ से इसको कवर कर दिया है इस तरीके से। इसके बाद इसे और डेकोरेट करने के लिए ये मैंने लेस लगाई है। ये लेस मेरे पास बची हुई थी पहले से, अभी मैंने झूले के लिए भी इसी लेस का इस्तेमाल किया था तो मैंने इसे भी इसी में लगा दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई मोटी सी लेस या फिर जो चूनर वाली आती है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद इसके बैक साइड के लिए मैंने दो ऐसे सर्कल्स काटे हुए हैं और उसके अंदर का भी ऐसे काट दिया है और इसको भी मैंने कपड़े से कवर कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग आपको कितना बड़ा चाहिए आप उस अकॉर्डिंग उसे काट सकते हैं। अब आपको इस पर लगाना है निशान ताकि आप इसको इसके अंदर फिट कर सकें और ग्लूगन से चिपका सकें। तो उसके लिए मैंने इस प्लेट की हेल्प से इसमें कट मार दिया है। ये बहुत ही ईजिली निकल जाएगा, आपको बिल्कुल ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ही आसानी से इस पर कट लग जाता है। इसके बाद ग्लूगन की हेल्प से जो बचा हुआ कपड़ा है इसको चिपका दीजिए ताकि ये इधर उधर ना हो। अब देखिए, जो स्पेस है इसमें हम इस गोले को इसमें फिट कर देंगे। ग्लूगन की हेल्प से आप इसमें इसको फिट कर दीजिए, ये इसमें चिपक जाएगा। आप इसकी जगह पे जो हुप्स आते हैं, जो आप कढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसका भी छोटे साइज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका बड़ा बना रहे हैं तो बड़े के लिए वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये जो गोटा है, इस गोटे को हम इस पर लगाएंगे, इसको इसके ऊपर राउंड राउंड करके पूरा फिट लगा देंगे, ग्लूगन से चिपका देंगे। और ये जो गोटे वाले फ्लावर्स आते हैं इससे हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। आप इसे अपने हिसाब से डेकोरेट कर दीजिए, चाहिए तो फ्लावर्स लगा सकते हैं या मोरपंख से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं कि आपने चारों ओर से मोरपंख लगा दिए। मोतियों से भी डेकोरेट किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे शीशे का और गोटे वाले फ्लावर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरे पास ये रिबन वाले फ्लावर्स भी बचे हुए थे जो मैंने जन्माष्टमी वाले झूले के लिए इस्तेमाल किए थे। उसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी जा कर के देख सकते हैं। अब ये मैं साइड में, एक साइड से मैंने फ्लावर्स लगा दिए, एक साइड से मैं ये मोरपंख लगाने वाली हूँ। इसको भी आप स्टिक कर दीजिए और नीचे जाके इसकी डंडी ना दिखे तो मैंने यहाँ पर ये शीशे लगा दिए हैं। और चेन्स लगाइए, चेन्स के बाद में ये देखिए हमारा कान्हा जी के लिए सिंहासन बनके रेडी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही लो कॉस्ट में आप इसे बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा, बल्कि आपको अच्छा ही लगेगा इसे बनाते हुए। अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं देन थैंक यू वेरी मच, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल पर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।